हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आपसे ही बच्चे 19-22 सेशन 20-23 सेशन या करंटली कहा जाए 21-24 सेशन में अगर आपसे ही बच्चों ने अपना जेनरिक पेपर का फॉर्म फिलअप किया होगा तो यूनिवर्सिटी ने तो कहा क्या दिया था बेसिकली कि आपका अगस्त महीने तक जो जेनरिक पेपर होगा, जो सेकंड जेनरिक पेपर जिसे हम लोग कहते हैं, वो पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन अगस्त किया, सेप्टेम्बर किया, अक्टूबर भी चला ही गया। दीपावली छठ के कारण आप सभी बच्चों मालूम है कि नवंबर मंथ में भी 15 नवंबर तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद इलेक्शन के डेट तक तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सभी बच्चों को जेनरिक पेपर, जो भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है या जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर दिए लेकिन उनकी एग्जामिनेशन देने का मन नहीं है, तो क्या एग्जामिनेशन देना जरूरी है? नहीं दीजिएगा तो क्या आपका जो 250 रुपया लगा हुआ क्या वो बर्बाद होने से आपके जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला? ये सारे जो डाउट्स रहेंगे वो आज के इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक परिवार है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, सारा का सारा लिंक मिल जाएगा। चाहे फॉलो करना चाहे फॉलो करिएगा, कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम है। ठीक है, देखिए आप सही बच्चों ने लगभग कहा जाए तो भाई अगस्त में फॉर्म फिलअप किया था, यूनिवर्सिटी वाला बोला भी था कि अगस्त सितंबर में टाइम तो पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, अब पहले समझिए जो ग्रेजुएशन आपका ये जो सेकंड जेनरिक पेपर है जिसे आप जेनरिक टू के नाम से भी जानते हैं, सेकंड जेनरिक बोलिए भाई नाम तो फर्क पड़ेगा नहीं। यूनिवर्सिटी ने आपका सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर फोर तक एक जेनरिक पेपर चलाया था जो कि यूनिवर्सिटी की गलती था, जिसमें आप लोग एक जेनरिक पेपर लेके पढ़े थे और हमारे टाइम में भी चला था, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी भाई हमारा 16-19 सेशन है लेकिन हमने सेकंड जेनरिक पेपर नहीं दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिस मेरा मैथ्स ऑनर्स है तो मैथ्स के साथ मेरा जेनरिक पेपर फिजिक्स था तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो मुझे तो एग्जामिनेशन देने का पहला बार जरूरी नहीं था। प्लस जो भी बच्चों ने अपना फॉर्म फिलअप हमने किया है तो अगर वो अपना जेनरिक पेपर देने नहीं आता, क्योंकि अधिकांश बच्चे देखिए कोई 19-22 का होगा, कोई ना कोई काम में लगा होगा, कोई बाहर में होगा, कोई कहीं कोई होगा, तमिल कोई साउथ में होगा, कोई कहीं पर काम कर रहा होगा, तो क्या यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा, क्योंकि चार पेपर होगा, ठीक है, सेमेस्टर वन का भी जेनरिक पेपर, सेमेस्टर टू का भी, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर, चार दिन में चार पेपर कंडक्ट किया जाएगा जिसके लिए आपको कम से कम बीच में 2-3 दिन का तो गैप रहेगा, तकरीबन देखा जाए तो 10 से 12 दिन का समय बर्बाद होगा। तो 10 से 12 दिन आपको काम से छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा प्रॉब्लम बहुत चांसेस है। तो आप सही बच्चे जान लीजिए पहला बात कि जेनरिक पेपर टू का एग्जामिनेशन देना कंपलसरी नहीं है। ये किनके लिए जरूरी है? जो भी बच्चे टीचिंग लाइन से या कहा जाए साइंस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, बीएड किए हुए, तो उनके लिए जरूरी है। अदरवाइज को बोलेगा कि भाई मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए जेनरिक पेपर कंपलसरी, भाई नहीं कंपलसरी है। आप हिस्ट्री ऑनर्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं, क्यों? देखिए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अगर आप बीएड या टीचिंग लाइन पे जुड़े हुए तो ही आपके लिए कंपलसरी होने वाला, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है तो उस टाइम आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अदरवाइज अगर आप सभी बच्चे बीएड डीएड करके रखे हुए हैं या पीजी चली किए हुए हैं या कोई बच्चा पीजी सोच के पीजी कर लिया अब वो बाहर चला गया, उसको नहीं देना पे भाई मत, तो कोई दिक्कत नहीं, जेनरिक पेपर का कंपलसरी नहीं है। जो भी बच्चे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए रहेंगे या कहा जाए लैब असिस्टेंट का ये पोस्ट हो गया, केंद्रीय विद्यालय पोस्ट नवोदय विद्यालय, ये जितने भी एजुकेशन से डिपार्टमेंट यानी कहा जाए बेसिकली स्कूल वाले एग्जामिनेशन रहता है वहां पर ये कंपलसरी बैठ सकता है। लेकिन अदरवाइज आप बोलिए एसएससी के फील्ड में, रेलवे, बैंकिंग, भाई कोई सब्जेक्ट कमीशन नहीं मांगता, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वहां पर कोई डिग्री कैंसिल नहीं होगा, जैसा था उसी डिग्री से आपका काम चल जाएगा, कोई भी वहां चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। अब आप सभी बच्चों ने अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लिया, एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है? तो देखिए अभी बता दूं झारखंड में आपको ही मालूम है इलेक्शन होने वाले क्या जो डेट तो दे दिया गया 13 नवंबर और 20 नवंबर है डेट है, 23 को रिजल्ट है। यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भाई 25 नवंबर तो कुछ काम नहीं होगा। प्लस आपको मालूम है अभी कि कहा जाए दिसंबर में बेसिकली कहा जाए जो आपका विंटर वैकेशन होता है ठंडी दिन छुट्टी मिलती है उस टाइम पे तो हमारी यूनिवर्सिटी कोई काम करेगा नहीं, सब अपने मस्त छुट्टी मनाया जाएगा, उस टाइम भी पेपर होगा नहीं, यानी नवंबर महीना में और कहा जाए दिसंबर महीना में इस टाइम भी आपका पेपर नहीं। और सीधा देखिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि नवंबर महीना में देखिए बहुत सारे बच्चे, अगर आपसी बच्चे 19-22 में कोई बच्चा हुआ, किसी का सेमेस्टर टू में, किसी का सेमेस्टर फोर में, किसी सेमेस्टर थ्री में, जो जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है सबका पेपर हुआ, लेकिन सेकंड जेनरिक पेपर क्या है यूनिवर्सिटी वालों क्या भाई 250-250 रुपये हर बच्चे से मिल गया ना, 10,000 भी बच्चे मान के चलेंगे ना कि 10,000 बच्चे पीछे पूरे धनबाद वगैरह से पेपर दें 250 रुपये करके, तो 250 गुना 10,000 कर लीजिएगा, इतना पैसा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में है। पैसा अगर किसी बैंक में भी फिर एफडी भी करवा दिया जाए तो 7% का तकरीबन एफडी से पैसा मिलता है, एक साल के बाद लगभग सोचिए कितना पैसा मिलेगा, 250 रुपये कितना खर्चा होता है एग्जामिनेशन में, कितना अच्छा पेपर क्वालिटी दे दिया था आपको मालूम है, 250 रुपये से तो कितना मतलब 50 रुपये का काम और आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारे पास आपको मालूम होगा कि ये पेपर आप जनवरी दिसंबर क्या
जनवरी में अगर हुआ तो ठीक है, और जनवरी में नहीं हुआ तो ये पेपर पूरा भी कहा जाए तो भाई लास्ट फरवरी चला जाए, क्योंकि फिर सेमेस्टर वन 24-28 का पेपर होगा और उसका टाइम कर, क्योंकि वो देखिए वो जो भी सेशन है वो अपडेटेड सेशन है। यूनिवर्सिटी तो आपको मालूम है आज कर नहीं है, आपको मालूम होगा कि जो पहला सेमेस्टर होता है वो लेट से स्टार्ट होता है, प्लस यूनिवर्सिटी थोड़ा एक्टिव ज्यादा दिखाता है कि हाँ पेपर होने वाला, टाइट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो, उसके बाद तो यूनिवर्सिटी पूरा अपना काम से निकाल देता है। तो इसलिए अब आपसे बच्चे जो जेनी पेपर का है भाई सिलेबस तो आपको मालूम है कि वेबसाइट पर अवेलेबल है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 चारों का सिलेबस अवेलेबल है, या फिर आप मार्केट जो भी गेस पर वो ले लो, प्रेफर रहो, कुछ कुछ पढ़ते रहो, मस्त रहो। जब एक पेपर डेट आएगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे, उसके अपने ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक जय हिंद और जय भारत।